आरसीबी और हैदराबाद भिड़ रहे हैं आज, बैंगलोर और एसआरएच भिड़ रहे हैं आज। थोड़ा सा मैंने भाई अलग तरीके से स्टार्ट किया है। एंड यस भाई, पहली टीम है आरसीबी जिस जो प्लेऑफ में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी उसकी बातें चालू हो चुकी है उनके फैंस के बीच में। एंड जैसा मैंने कहा था कि भाई ये पहला साल है जहाँ पर आरसीबी के फैंस भी उसका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप भाई कोई कितना ही करेगा सपोर्ट आपको, आपकी बैटिंग सही नहीं चल रही, बॉलिंग सही नहीं चल रही, मैच का रिजल्ट आप बदल नहीं पा रहे हो, पेपर पे आप स्ट्रांग दिखते हो, परफॉर्मेंस आपका एकदम बकवास रहता है, तो ऐसे तो कितने साल सपोर्ट हो गया, अब फैंस साथ छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद बिल्कुल राजस्थान की तरह ही टीम है, थोड़ी राजस्थान से कम है मैं कहूँगा, एकदम खामोशी में रह के खेलती है, 5 में से 3 मैच जीते हैं, डबल हेडर का रिजल्ट आया नहीं है, अगर मैच जीत जाती है तो मेरे हिसाब से टॉप 2 में पहुँच सकती है। बेंगलोर ने टॉस जीत लिया, हम हैदराबाद बने हैं और बॉलिंग में आने वाले हैं। एंड प्लीज़ जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे भाई, थम्सअप का निशान होगा, मार दो भाई एक थम्सअप। और हाँ बता देना भाई, आप बेंगलोर के फ़ैन हो या फिर हैदराबाद के फ़ैन हो या इन दोनों में से किसी के फ़ैन नहीं हो। एंट्री पड़ चुकी है एंड क्या बोलूँ यार, मैंने क्रिकेट 24 को एक और मौका दिया है, लेट्स सी क्या करती है ये गेम। चेज़ आया है जो मैं चाहता था कि हाँ भाई मेरे को चेज़ मिले, वो मिल तो गया है मेरे को। भुवनेश्वर कुमार हैं पहली गेंद पे, सबको पता है कि मोस्टली 4 रन लगते हैं, वो भी एजिस से, मतलब अगर 10 चौके हैं 10 में से 7 तो एजिस से लगते हैं इनके। नहीं ये बेहतर मारा है, ये मिडलिंग किया है, लास्ट टाइम सिंगल था, इस बार 1 बाउंस 4 है डुप्लेसिस के बैट से। 151 for 3, बैटिंग टीम का पलटा भारी, और हाल ये है कि 15 ओवर में ही भारी हो गया है, अंत की 5 में तो क्या ही होगा। एक चीज़ जो अलग है वो ये है कि स्पिनर शुरुआत कर रहा है, यार 6 मारा है, किस एंगल से लग रहा है भाई कि ये इतना एफर्टलेस 6 होगा, ग्लेन मैक्सवेल का वो भी, जो बंदा खाता नहीं खोल पा रहा, एंड आई थिंक इंजरी भी है इनको, शायद नहीं खेलेंगे मैच। अब आफ्टर टच यूज तो अच्छा किया है, हाथों में है बट वो ऑलरेडी बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं मेरे को, एंड यस खुद भी कूद के जा चुके हैं बाउंड्री रोप्स के पार, 2 छक्के। फील्डिंग तो ठीक है, आप रोक लो इनको बस, 4 रन ऑलरेडी, 10 का रन रेट था, अब तो भाग रहे हैं ये 11 तक। एजिस तो आए हैं, अरे भाई लेग स्टंप कहाँ हिट करने दे दिया, ओ ग्लेन मैक्सवेल, स्विच इट, फिर एक बार जंप पे सवाल है, वो भी जा चुके हैं जंप बाउंड्री के पार, भुवनेश्वर कुमार भी 6, कैसे कैसे 6 मार रहे हैं ये लोग, कैसे कैसे 6 मार रहे हैं, हाँ ये बेहतर है, पहला इन लास्ट शॉट बेस्ट था। टच की मदद से आउटस्विंग कराएंगे एंड फ्लैट चौक के खाएंगे रजत पाटीदार के सामने, स्विंग बाहर का और लॉब लगा दिया है, बट फील्डर भी उसी लाइन में, फिर सवाल नहीं उठेगा, 6 रन मिले, 11 रन आए ओवर से, लास्ट बॉल पर भी बड़ा हिट यार, 17 रन, 200 पूरे, 4-5 का भी ओवर डाल दो भाई कभी कभार। एजेस में बाउंड्री नहीं रुकने वाली, हाँ रोक लिया, सीधा दौड़ते दौड़ते चले गए, वियर्ड तरीके से एनिमेशन दिखाते हुए, क्रॉस एंगल चलता हुआ, अरे बैट पे आ गई है, नीचे आएगी लेकिन फिर पीछे जा, क्या हो रहा है यार, तुम सेट उसको ऐसे क्यों करवा रहे हो कि वो पीछे ही हो जाए, मैं टच नहीं कर रहा हूँ, देखना ऑटोमेटिक यॉर्कर लेंथ जो है ना वो बाहर हो जाती है, पता नहीं क्यों, एक बार भी टच नहीं किया है आफ्टर टच, लगातार 2 बार हुआ है, बहुत विश्वास से ओवर दिया है, धोखा मत देना भाई, फर्स्ट बॉल 6 रन, 50 पूरे, 12 गेंदों में, पिछली ओवर 2 रन की रही थी, तो एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 2 है तो 8 दे दो, 10 दे दो, ओवर ये महंगा जाएगा, 4 फील्डर ऑफ स्टंप हैं बट 6 जा रहे हैं, अरे बाप रे भाई, शाबाश अहमद बचा लो भैया छक्के यार, 50 करवाओगे, उस तरीके से देखा था गेंद को, क्योंकि आखिरी गेंद भी 6 जा रहे, 246 अगर वो बच गया नहीं होता ना डॉट, अंतिम से दूसरा 250 डन था, और सुपर स्कोर है, अब मैं अधिक से अधिक 120, 130, 140 मारूंगा, 30 गेंदों में देखता हूँ कैसे करता हूँ 100 के ऊपर का स्कोर, मैं खुद क्या AI भी नहीं कर सकता इतना बड़ा स्कोर। एंड नेक्स्ट मैच में मैं या तो गेम बदलूंगा या तो फिर टॉस जीत कर रन डिफेंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये गेम बहुत अनइवन है, किसी के पास कोई तरीका हो इसको बैलेंस बनाने का तो बताना भैया, अदरवाइज टाटा बाय बाय है। सचिन सागा ही बेहतर थे इसके कंपेरिजन में, मेरा वो रिदम भी बिगाड़ दिया।
मोहम्मद सिराज आते हुए गेंदबाजी में एंड मयंक अग्रवाल हैं पहली गेंद पे। मैं 6 और 4 चाहता हूँ बट फील्डिंग काफ़ी पैक करके रखी है। वाइट बॉल अगर नहीं दी तो डॉट से शुरुआत है। आइडियल था, सब कुछ दिखा रहा है गेम बट एक्स्ट्रास ठीक है। वाइट बॉल राइट कर लो, क्या खेलना। फिर बाउंसर, स्क्वायर कट, गैप नहीं है, सिंगल मिलेगा सिर्फ। 30 में 105, 142 for 5। यहाँ से क्या ही जीत की उम्मीद रखोगे आप। पहली गेंद सिक्स लगा है, अब ये गुड टाइमिंग से सिक्स लगवा रहा है, अभी इसी टाइमिंग पे कैच आउट करवाएगा रूप पे। सिक्स से फिर ही और का गलत लाइन लेंथ फ्लैट शॉट, देखा कहा था ना भाई कैच करवाएगा, देख लो सेम टाइमिंग सेम शॉट सेम यॉर्कर लेंथ, रिजल्ट देख लो कितना उल्टा आया है। कहाँ सिक्स लगा था कहाँ कैच आउट हो रहे हैं। सिक्स विकेट गिरा ही है, अगली गेंद गिरने दिया है एंड लगा दिया है सिक्स, सेम टाइमिंग 6 रन। भाई क्या चल रहा है ये गेम में। फिर दोनों गेंदों पे 6 जाए तो कुछ बात बने। ठीक है शॉट है, तीसरा छक्का, एक और चाहिए। ओवर के 4 छक्के मतलब ये ओवर आपकी, बस यही दिक्कत हुई है। और हाँ मिल गया है, ये पहला आइडियल शॉट है एंड बस एक विकेट खोदी, वो नुकसान हुआ है। अब उनटकट क्या मारते हैं वो देखना इम्पोर्टेंट है। 6 मारा है अभी तो, बाकी 23 गेंदों में लेट्स सी क्या होता है। ऑफ स्टंप की हर गेंद के हाल बुरे हुए हैं एंड वो कंटिन्यू है 8 गेंदों तक, और ये गेंद भी उसी हिस्से में जाएगी। अभी तक जिस तरह से बैटिंग हुई है ना परफेक्ट है। बाउंड्री की तरफ जा रहा है तो मेरा टाइमिंग लगातार एक जैसा ही है। पूरी 10 गेंदों में मैंने एक शॉट लेट खेला है, बाकी सारे आइडियल एंड टाइमिंग गुड रहे हैं। बाउंड्री मिली इस बार, लेकिन लाइन लेंथ भी थोड़ी अलग डाल ले तो मैं अलग शॉट ले लूँ। मैक्सिमम मुश्किल लग रहा है, नहीं लेकिन जाएगा, बहुत बढ़िया ओवर है मेरे लिए। 4 छक्के प्लस 1 बाउंड्री उनटकट के साथ, अगर ये टाइमिंग मीटर है। गैप गया है, एक और 4 जाएगा। हर गेंद यहाँ पर बाउंड्री के पार गई है। फील्डिंग इस बार कमाल की है। यॉर्कर फ्लैट, वो 6, गैप अभी भी मिल रहे हैं। नई ओवर की शुरुआत अब्दुल समद 6 से करेंगे। सन्नाटे के साथ एक और 6 लगाते हुए, चापते हुए यहाँ पे बैक टू बैक 6 दो गेंदों में। ऑलमोस्ट 400 का स्ट्राइक रेट, वो 12 गेंदे और हो गए अराउंड 48 रन। अब हो गया 400 का, हाँ हो गया 400 स्ट्राइक। अब्दुल समद बहुत दूर, गेंद है ब्रेंज से, फिर भी हिट करने में सफलता। अच्छा हुआ पॉइंट पे हिट किया। 4 छक्के लग चुके हैं, 50 लग चुका है एंड डेफिनेटली 6 छक्कों को टारगेट कर रहा हूँ मैं। एक और बात अभी मेरा ध्यान गया, 14 में सिर्फ 22 चाहिए और एक और 4 मतलब 13 में रह गए 18 बैक। ये मैच मैं कहीं ना कहीं जीता हूँ उसका एक कारण एक और है, वो है कि स्पिनर्स नहीं लाए ये लोग। मे बी स्पिनर्स आता तो हालत कुछ और होती। ओके टाइमिंग भी यहाँ पे 6 दे रहा है, गेम पूरी तरह से ब्रेक है भाई यहाँ पे। अगर आप इजी गुड टाइमिंग पे 6 दे रहे हो, गुड टाइमिंग पे कैच करा रहे हो, ओके टाइमिंग पे 6 दे रहे हो एंड आइडियल तो 6 जा ही रही है, वो भी हो सकता है एक आध आइडियल कैच भी करवा दे, तो इस तरह की गेम को भाई ब्रेक गेम कहते हैं, ब्रोकन गेम कहते हैं एंड ये इस वक्त ब्रोकन गेम कहने की कैटेगरी में आएगी। डॉट गेंद रही है, बहुत अर्ली चला गया मैं, पुअर शॉट भी था, स्विंग करती गेंद पे सीधा नहीं खेलते। सेम गेंद कवर पे मारता हूँ, कैच ड्रॉ, बहुत तेज था ये फील्डर के लिए कर पाना, बहुत कम वक्त मिला था बेचारे को। 9 में 10, मैं तो चाहता हूँ ये जल्दी फिनिश हो। गैप में चौका एक और बार, अर्ली टाइमिंग भी जा रहे हैं बाउंड्री की तरफ, यहाँ पर तो गैप मिला था इसलिए सही है। और मैंने आज पहली बार एहसास किया है, 9 बॉल है, मैंने पहली बार एहसास किया है कि भाई कितना आसान है बड़े टारगेट को भी चेज करके निकलना। 2 रन प्लस 9 बॉल, अगली गेंद फ्रेट एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि ये गेंद आखिरी हो आज के दिन की। अभी भी 8 में 6 दिखा रहा है, स्कोर कार्ड भी गेम कैलकुलेट नहीं कर पा रही, सोच लो भाई। और आप लोग कहते हो कि मैं इस गेम की झूठ झूठ तारीफ करूँ, खा लो छक्के भाई, ऐड करो मैच। इस वक्त के मैच के पॉइंट हैदराबाद के फेवर में, शुरू किया था हमने जब गेम नहीं सोचा था कि जीत पाएंगे। जयदेव उनटकट ने 11 में 51 लगा दिए हैं एंड
शॉकिंग रिजल्ट आता हुआ यहाँ पे मेरे खुद के लिए भी। बट सबसे बड़ा चेंज ये है कि स्पिनर्स को ना यूज करना बैंगलोर। आई थिंक बैंगलोर ही ऐसी टीम है जो इतना बड़ा चेज करके रन बना के हार सकती है। दिस इज इट, मजा आ गया भाई जीत के एंड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ला के। टेक केयर भाई, लाइक कर देना वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड गुड डे। एंड अल्जरी जोसेफ को मिलाया मैंने तो मैच, क्यों भाई 3 विकेट निकाली इसके लिए, इसको दे दिया मैंने तो मैच, क्या है लॉजिक यार, उससे अच्छा तो मैक्सवेल है।